हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एग्रीकल्चर है। हमने इस टॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि पूरे एग्रीकल्चर के बारे में हम एक आउटलाइन दें ताकि आपको ब्रीफली पता चल सके कि दरअसल एग्रीकल्चर होता क्या है, इसमें अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं और क्रॉपिंग के सीजन जो होते हैं उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। इन सभी के बारे में आपको फंडामेंटल नॉलेज इन दो चैप्टर्स को देखने से मिल जाएगा। तो आइए आज का पहला पार्ट जो है एग्रीकल्चर के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि एग्रीकल्चर के बेसिक्स के बारे में हम बात करें, हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के जो वर्ड है उसके ओरिजिन के बारे में बात करें। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दैट इज एजर और अग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चुरा मीनिंग कल्टिवेशन। यानी कि एग्रीकल्चर का माना जो है वो सॉइल का कल्टिवेशन है। तो जाहिर सी बात है कि सॉइल को कल्टीवेट करने के बाद ही जो है हमें फूड प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये एक एंशियंट सिविलाइजेशंस का एक खोज थी, क्योंकि पहले तो इंसान जो था, अर्ली मैन जो था, वो हंटिंग पर जीता था। लेकिन जैसा जैसा एवोल्यूशन होता गया तो उसे पता चल गया कि थ्रू सॉइल भी जो है हम खाना उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिससे कि हम पेट भर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के जेनेसिस जो है वो आपको एंशियंट वर्ल्ड में ही मिलेंगे। तो दिस इज द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर, दैट इज सॉइल कल्टिवेशन। Agriculture is a broad term encompassing all aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc. तो ये modern definition हो गया agriculture का। अभी जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था वो as an ancient time of perspective के बस soil को till करना, soil का cultivation करना और उससे food products को जो है उगाना और खाना, इसे agriculture माना जाता था। लेकिन as of now modern terms में जो है agriculture एक बहुत ही बड़ा broader terms है। हम इसे agriculture and allied activities भी कहते हैं, जहाँ पर महज crop production नहीं, livestock farming भी, यानी कि कैटल ब्रीडिंग वगैरह, कैटल रेयरिंग वगैरह भी हम करते हैं। कई मॉडर्न कंट्रीज में जो है आप देख सकते हैं बहुत ही साइंटिफिक लाइंस पर जो है इन लाइफ स्टॉक के फार्मिंग को जो है पूरा किया जाता है। अगेन फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, इन सभी के बारे में जो है एक ब्रॉडली जो है इन कंपास करके हमें एक वर्ड दिया जाता है जिसे आज हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आइए थोड़े बहुत अलग अलग जो जिस तरीके के कल्टीवेशन होते हैं, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स के प्रोडक्शन या फिर अलग अलग चीजों को रेयर करने को किस तरीके के स्पेशल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज, खासकर फॉरेस्ट में जो उगाए जाते हैं ट्रीज, उन्हें अगर आप किसी स्पेसिफिक आपके कमर्शियल लैंड पर या फिर आपके प्राइवेट लैंड पर अगर आप उन्हें उगाते हैं, कमर्शियली उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसे सिल्वीकल्चर कहा जाएगा। देखिए, ये सभी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन्हें बोल्ड में रखा हुआ है। कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कई बार पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर क्या होता है, एपिकल्चर क्या होता है। तो चाहिए कि आप इन सभी के बारे में स्ट्रांग रहें, आपके बेसिक्स स्ट्रांग रहें। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन है जो है सेरिकल्चर, यानी कि इट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। तो कई बार जो है सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वर्म्स बहुत ही जरूरी होते हैं, उन्हें रेयर करना पड़ता है, उन्हें ब्रीड करना पड़ता है, उन्हें एडिक्वेट टेम्परेचर, एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स के साथ जो है उन्हें देखभाल वगैरह करनी पड़ती है। तो इस सभी प्रोसेस को जो है सेरिकल्चर कहा जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसी तरीके का प्रोडक्शन जो है वो है एपिकल्चर। हमने ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बात किया हुआ है कि हनी बी के कॉलोनीज को मेंटेन करने की वजह से, जिसे हम बी हाइव्स भी कहते हैं, तो वहां पर बीज को जो है कमर्शियली उन्हें रिप्रोड्यूस किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग के लिए वहां पर उन्हें छोड़ा जाता है, एंड अगेन उनसे जो है हनी कलेक्ट किया जाता है और उस हनी को कमर्शियली बेचा जाता है। तो इसे एपिकल्चर कहा जाता है। तो एपिकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन हाइव्स, दैट इज बाई ह्यूमन, इट इज कॉल्ड एज एपिकल्चर। अगला जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, यानी कि वेजिटेबल्स को किस तरीके से ग्रो करते हैं। अगर आप साइंटिफिकली उसे पढ़ेंगे और अपने प्राइवेट लैंड्स पर या फिर कमर्शियली भी अगर आप उन वेजिटेबल्स को ग्रो करके बेचेंगे तो उसे ओलेरिकल्चर कहा जाएगा। डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड, यानी कि जिसमें ज्यादातर वुड्स नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो पंपकिन के लिए तो कोई बड़ी पेड़ की जरूरत नहीं होती, वो तो छोटे से क्रीपर के साथ जो है वो लगकर विद इन द वेरी सॉइल ही जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके के डिसिप्लिन को जो है पढ़ना और उसे प्रोड्यूस करना, उसे ओलेरिकल्चर कहा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है विटीकल्चर, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इट इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। आपको ज्यादातर नॉर्थ यूरोपियन साइड में जो है ये विटीकल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, या फिर मेडिटेरेनियन कल्चर जैसे हम कहते हैं वहां पर
ग्रेप्स के ऑर्चर्ड्स होते हैं जहाँ पर इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और वहीं से हमें गुड क्वालिटी ऑफ वाइन वगैरह भी मिलती हैं। तो दिस इज विटीकल्चर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है वो है फ्लोरिकल्चर। इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर गार्डन्स रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। कई बार हम अपने गार्डन्स वगैरह में मनी प्लांट्स वगैरह भी उगाते हैं, इनसे ज्यादातर कोई यूज तो नहीं होता लेकिन डिजाइनल तौर पर या फिर घर को जो है एक बहुत अच्छी तरीके से एक लुक हमें मिलता है, इसलिए जो है इस तरीके के फ्लावरिंग जो यूनिक एक्सॉटिक फ्लावर्स वगैरह होते हैं इन्हें जो है रेयर किया जाता है और इन्हें बेचा जाता है, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। Arboriculture is the cultivation, management and study of individual trees, shrubs, vines and other perennial woody plants. तो अलग अलग तरीके के जो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, उन्हें स्पेसिफिकली पढ़ना और उन्हें किस तरीके से साइंटिफिकली आप उगा सकते हैं और बेच सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना, उसे arboriculture कहा जाता है। और आखिर में पोमोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर का माना रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे आप हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं, यानी कि एक फार्मिंग का सिस्टम है जहां पर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है उगाते हैं और उन्हें कमर्शियली बेचते हैं। तो पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच फोकसेस ऑन द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये भी हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है, फ्रूट्स के स्पेसिफिकेशन में, वेजिटेबल्स के स्पेसिफिकेशन में, कि किस तरीके से स्पेसिफिक फ्रूट को जो है अगर आप किसी एक लैंड में उगाना चाहते हैं तो किस तरीके के स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, ह्यूमिडिटी उस एरिया की कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह किस तरीके से होने चाहिए, इन सभी के बारे में साइंटिफिक स्टडी को हम पोमोलॉजी कहेंगे। आगे सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिसके बारे में हमें बात करना है वो है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खासकर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन लैंड्स की जब हम बात करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर की जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। विद 17.2% कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज GDP, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सपोर्ट टू अबाउट 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अगर आपको पता ना हो तो लगभग 50% से भी ज्यादा और समवेयर अराउंड 52-56% पॉपुलेशन जो है इंडिया में, जो पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो लिटरली जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा एक तादाद में अप्रॉक्सीमेटली 60% भी अगर आप कह लें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 60% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है GDP को वो बस 17.2% है, तो ये कहीं ना कहीं एडवर्स है। इसके रीजंस क्या है हम इसके आगे के स्लाइड में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक दुस्थिति है हिंदुस्तान की, के अच्छा खासा एक चंक जो है लेबर चंक या फिर जो पार्टिसिपेटरी जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर है, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। द सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 56.7% ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली समवेयर इट इज अराउंड 60% एंड इट इज द सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। दरअसल कई ऐसे इश्यूज हैं जो प्लेग करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को, जैसे कि अनसीजनल रेन्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ना होना, एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें ना मिल पाना, तो इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्राइमरी सेक्टर को, यानी कि हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो प्लेग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 14.7% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज टेक्सटाइल्स, शुगर्स, सिल्क, राइस, फ्लोर मिल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी जो है अगर सच बताएं तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि वेस्टर्न अगर आप कंट्रीज को देख लें, डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, तो वहाँ पर तादाद बहुत ही कम होती है, 4-6% ऑफ द पॉपुलेशन होता है, लेकिन उनका जो एक्सपोर्ट होता है थ्रू एग्रीकल्चर वो लगभग कहीं ना कहीं 20-30% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो है वो लेबर फोर्स, वर्कफोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो महज 14.7% है, तो ये बहुत ही कम है। और जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर से ही हमें कई रॉ मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी एग्रीकल्चर से ही अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट्स एज अ बुलवर्क इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी एंड इन द प्रोसेस नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। द अलाइड सेक्टर्स लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द रूरल मासेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन किस लिए एग्रीकल्चर जो है इतना एडवर्स होने के बावजूद भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि सब्सिस्टेंस के लिए जो है ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर हमारे लिए काफ़ी, यानी कि हम सर्वाइव करते हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन हम करते हैं हम उसी जो है सेल्फ प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉवर कंट्रीज में से एक है, पॉवर्टी जो है वो लगभग 30% के आसपास है, अगर आप टेंडुलकर कमिटी के एस्टिमेट्स अगर देख लें तो लगभग 30% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो
इन सभी के लिए जो चाहिए फूड सिक्योरिटी जब हम प्रोवाइड करें तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। इसीलिए कहते हैं कि टू डेवलप अ नेशन लाइक कंट्री फर्स्ट यू हैव टू डेवलप एग्रीकल्चर, एंड नॉट जस्ट एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो उसके अलाइड एक्टिविटीज भी, जैसे कि हमने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो नेसेसरी, डायरी, फिशरीज वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के पार्ट का ही एक हिस्सा है खासकर इंडिया के लिए। तो आखिर में आज के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दरअसल इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है क्या, चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने आउटलाइन किए हुए हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। हमने ये तो देखा कि 52-56% ऑफ द पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, लेकिन ये सभी में जो है मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड लैंड होल्डिंग, यानी कि उनके पास 2 एकड़ या फिर 2 हेक्टेयर से भी जो है लैंड कम है। तो इतने छोटे से लैंड में आप क्या कल्टिवेट करेंगे, किस तरीके से आप जो है इस लैंड को किस तरीके से आप प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इसे कहा जाता है। जो मेजर बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही कम तादाद में, और जब सबसे अच्छी भी आमदनी जिन फार्मर्स की आती है वो मेजर लैंड होल्डिंग्स की आती है, जिनके पास 10-15 या 20 हेक्टेयर होते हैं एट अ टाइम, या फिर 10-15 या फिर 20 एकर्स एट अ टाइम जो है उनके पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो कई बार आधा एकड़ या फिर इससे भी कम जो है उन्हें लैंड होता है। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व्हिच इंडियन फार्मर्स फेस। एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यही अभी जो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स लैंड होल्डिंग तो फ्रैगमेंटेड है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो ज्यादातर इसी पर डिपेंड करते हैं, और अगेन उनके आगे की पीढ़ियां भी जो है इसी लैंड पर डिपेंड करती हैं। तो ना ही उस लैंड को एक्सपेंड किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तो बस उसी तौर पर जो है ये लोग जिंदगी काटते हैं। रीजनल वेरिएशंस, जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वो बहुत ही लार्ज कंट्री है, इसके अलग अलग सीजन, अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग तौर तरीके पर जो है यहाँ पर क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, तो हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। तो कई रीजन्स में इस तरीके के वेरिएशंस, जाहिर सी बात है, रेनफॉल पैटर्न्स वगैरह भी जो है कई बार चेंज होते रहते हैं, डिपेंडेंस ऑफ सीजनल रेनफॉल। कई बार आपने सुना होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर इज नथिंग बट गैम्बल ऑन मॉनसूनस, अगर मॉनसून आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस साल सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को है तो वो फार्मर को ही है। तो दिस इज अगेन डिपेंडेंस ऑफ सीजनल रेनफॉल। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, लैंड की फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं मार खा रही है, तो इसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो कम होती जा रही है। इंक्रीजिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, आप इसके बारे में इन डिटेल्ड पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं कि हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम है। आपने अभी देखा 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन मान लेते हैं कि अगर एक हेक्टर है, एक हेक्टर ऑफ द लैंड है, वहां पर क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो इसे एक हेक्टर ऑफ लैंड पर काम करने के लिए 3 वर्कर्स काफी होंगे। लेकिन इंडिया में सच्चाई यह है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इस 1 हेक्टर के लिए अगर 3 लोग काफी हैं तो वहां पर 6 लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर 3 लोग एडिशनली वहां पर हैं, दरअसल उनके पास कोई काम ही नहीं वहां पर करने के लिए, लेकिन बट स्टिल दे आर एसोसिएटेड विद दैट वर्क। तो इस तरीके के डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है सीरियस कंसर्न्स फेस कर रहा है। डिसऑर्डर इन मार्केटिंग एंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कई बार फार्मर को पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर जाकर किस तरीके से किस रेट में मुझे बेचना चाहिए। कई बार प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो उन्हें फूल करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस एक तो होता है और रियल मार्केट में इनके पास जाकर किसी दूसरे प्राइस में जो वो खरीदा जाता है। इवन कई बार अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मंडीज जिसे हम कहते हैं वहाँ पर भी जाते हैं तो उन्हें एडिक्वेट प्राइस नहीं मिलता। तो इस तरीके के मार्केटिंग के तरीके भी इनके सही नहीं होते। एंड वीक लैंड रिफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई बहुत ही वीक है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर, जिस तरीके से हम लैंड को रिफॉर्म करते हैं, लैंड के रिफॉर्म्स वगैरह लाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कई बार पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज ऑल्सो वन सच रीजन। तो इस तरीके के चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को प्लेग कर रहे हैं, सता रहे हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एग्रीकल्चर के बारे में। हम आगे के पार्ट में भी इसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।